हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी वेरी गुड इवनिंग नहीं हो रहा भाई सॉरी गुड आफ्टरनून रोज शाम को आती हूँ आज देख में आई हूँ इसीलिए गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैं बहुत देर से तुमने देख लिया होगा टेलीग्राम पर भी मैंने मैसेज तो छोड़ रखा है मैं स्टूडियो में थी बट मैं दिख नहीं रही थी नाउ प्लीज लेट मी नो So that we can start with our session. Am I properly audible and visible, guys? Am I properly audible and visible? Session, am I properly audible and visible guys? Yes, yes, yes. Now everything is okay now. Can we proceed with our session? Is everything okay? Yes. Chalo. चलिए हाँ बहुत देर से मैं स्ट्रीम ऑन किया हुआ था बट मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रही थी चल नहीं रहा था कुछ भी बट नाउ लैपटॉप में तो अभी भी ऐसा ही शो हो रहा है बट मैं फ़ोन पे अपने आप को देख पा रही हूँ सुन पा रही हूँ तो मतलब सब सही चल ही रहा है इतनी क्या हो रखा है एक बार और मैं दिख जाऊं अपने यस चलिए इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको फटाफट से आज मुझे फोन हाथ में लेकर ही लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं फिर कितना देख पा रही हूं या नहीं इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको फटाफट से अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है अगर आप नीट की एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं नीट की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं मेरी पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप के अंदर मेरे पर्सनलाइज गाइडेंस के अंदर अगर आप नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी की जो पेड प्लेटफॉर्म है दैट इज द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर हमारे साथ जुड़कर नीट के एक बेहतरीन सफर की शुरुआत कर सकते हैं यहां पर आपको सिर्फ

तो आप नीट यूजी उसमें भरेंगे फिर वो आपसे पूछेगा कि प्लस चाहिए आइकॉनिक आइकॉनिक का एडिशनल फीचर ये इसमें आपको पर्सनल कोच मिलते हैं जो कि आपको स्टडी प्लानर से लेकर टाइम मैनेजमेंट से लेकर टेस्ट पेपर एनालिसिस ये सब आपको मिलता है तो पर्सनल कोच आपको मिल जाते हैं ठीक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर ठीक है तो आप कुछ भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और क्योंकि इसमें आइकॉनिक में कुछ एडिशनल फीचर्स है इसलिए इसके चार्जेस भी एज कंपेयर टू प्लस थोड़े से ज़्यादा है यहाँ पर मैंने प्लस के चार्जेस शो किए हैं जैसे ही आप इनमें से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ऑप्ट करेंगे प्लस ये आइकॉनिक आपके सामने इस तरीके से वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल हैं जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं ये उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ये उतना ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है 2021 वाले अभी सिक्स के लिए भी जा सकते हैं बाकी गो फॉर वन एंड टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इट इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन टू ऑप्शन टू ऑप्ट जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पर जो प्राइस दे रखा है आपको टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद दे रखा है अदरवाइज ओरिजिनल प्राइस फॉर सिक्स मंथ इज ट्वेंटी एट थाउजेंड फॉर वन ईयर इट इज थर्टी एट थाउजेंड एंड फॉर टू इट इज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट आपको इतना नहीं पे करना होता बेटा प्रोसीड पहले से गिफ्ट वाउचर बना एक स्पेस आता है स्पेस में आपको अपनी मैम का नाम फिल करना यही मेरा कोड है दैट इज शिवानी शिवानी कोड अप्लाई करने के कई सारे फायदे हैं पहला फायदा जैसे ही आप शिवानी कोड अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करेंगे आपको आपकी फीस पर पच्चीस हजार चौतीस हजार पचास सीधा सीधा टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड को चाहे आप प्लस ले चाहे आप आइकॉनिक कुछ भी लो एक तो आपको आपकी फीस पर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस इसके अलावा आप मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे मेरी मेंटरशिप में आप आ जाएंगे ठीक है आपको कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा आपको मिलेगा ठीक है आपको मेरी डीपीपीज मैंने कुछ डिजाइन की हुई डीपीपी और क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं जो रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे मैं क्लास नोट्स की बात नहीं करी मैं शॉर्ट नोट्स आपको देती हूँ प्लस आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन माई ग्रुप एंड थ्रू आउट योर नीड जर्नी आई विल गाइड यू तो ये सारे बेनिफिट आपको शिवानी कोड अप्लाई करने से मिलेंगे इसमें चाहे आप प्लस लें चाहे आप आइकॉनिक लें दोनों में आपको ये सारे बेनिफिट्स प्लस टेन परसेंट डिस्काउंट आपकी फीस पर ये मिलेगा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत है जिसने भी अभी तक ये नहीं किया अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर डॉक्टर शिवानी भार्गव का प्रोफाइल सर्च कीजिए और वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए देखो अनअकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो यहां पर आप मुझे फॉलो करेंगे जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं थोड़ा सा ड्रैग करोगे मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है यहां पर अगर आप मुझे मैसेज भेजते हैं बिल्कुल आई विल रिवर्ट यू सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं इसे रेगुलर बेसिस पर मैं चेक करती हूं प्लस यहां मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको जितनी भी मेरी अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस लगती है आपको सबका एक्सेस आपको सबका नोटिफिकेशन मिलेगा और इनका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ रोज सुबह साढ़े आज नहीं है आज नहीं है बाकी रोज सुबह साढ़े और रात साढ़े नौ बजे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्लेटफॉर्म पर डू और डाई क्वेश्चन सीरीज चल रहा है तो मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर होता है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे और रोज सुबह साढ़े नौ और रात साढ़े नौ बजे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन चलता है बट आज नहीं है बेटा ठीक है चलिए शुरू करें शुरू करें भाई लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेशन सेशन से शुरुआत करने से पहले अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर एक तो आपका उड़ान बैच फॉर नीच ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी से शुरू हो रहा है उड़ान बैच शुरू हो रहा है ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस पे जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ यूजिंग योर मैम्स कोड दैट इज शिवानी तो टेन परसेंट डिस्काउंट के अलावा सारे फायदे मिल जाएंगे एक एस्पायर बैच भी शुरू हो रहा है ट्वेंटी थर्ड ऑफ जनवरी से बिल्कुल आप इसका हिस्सा बन सकते हैं आप अपनी मैम का कोड अप्लाई करेंगे शिवानी टेन परसेंट डिस्काउंट और बाकी सारे फायदे जो मैंने आपको बताए मिल जाएंगे प्लस एक लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है ट्वेंटी जनवरी से अडमी प्लस पर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं जस्ट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है वाई यूजिंग योर मैम स्कोर दैट इज शिवानी टेन परसेंट डिस्काउंट के अलावा जो सारे फायदे मैंने बताए वो आपको इससे मिल जाएंगे और नीट कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है ट्वेंटी फोर्थ जनवरी को है तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन ठीक चलिए शुरू करें बेटा ऑल ऑफ यू गाईज रेडी फॉर टूडे सेशन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस ठीक है चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ऑक्सीजन इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोरोसिंथास बाय ऑक्सीजन प्रोडक्शन इनमें से कौन नहीं करता है प्लीज लेट्स मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी आओ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और अच्छा आंसर आप नंबर डाल के करेंगे कि फर्स्ट का ये है सेकंड का ये है ऐसे नंबर करेंगे अभी फर्स्ट में तो चल जाएगा शिरिन बिल्कुल सही नैन्सी ठाकुर राहुल दीप्ति, कमलेश चौधरी मयूरी आकाश वर्मा राघवेंद्र बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्फी अमित बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है ऑक्सीजन कौन नहीं प्रोड्यूस करता ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सल्फर रिलीज होता है यहां पर ऑक्सीजन की जगह यूज करते हैं O2 की जगह तो दैट्स दिस विल बी द करेक्ट वन बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहला ट्रू फोटोसिंथेसिस किसने शो किया था जहां से हम ऑक्सीजन की उत्पत्ति मानते हैं कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन यहां से शुरू हुआ फिर आपका एटमोसफियर ऑक्सीडाइजिंग होने लगा लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स फर्स्ट ट्रू फोटो जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए अरे जल्दी बोलो भाई रोशन ये कैसा सवाल है जी आदर्श अरे इसका मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूं उसका जवाब दो मैम आप कैसे लग रहे हो ये नहीं पूछा है मैंने जी स्वलेखा शेख ठीक है रंजन को पूरी डिटेल देनी है स्वलेखा शेख बिल्कुल सही ब्लू ग्रीन एल्की और साइनो बैक्टीरिया जी बिल्कुल यहां से ऑक्सीजन की उत्पत्ति मानी जाती है कि सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन किसका कैरेक्टरिस्टिक और एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन इसमें होता क्या है लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एम गोस थैंक यू सो मच या फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर देंगे जी डबल फर्टिलाइजेशन जल्दी जल्दी बोलो धीरे धीरे बोल कोई सुना ली, लेकिन तुम धीरे धीरे मत बोलो बिल्कुल मुझे सुनाई देनी चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फोर्थ आंसर दे रहे हैं इट इज द सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन जी बिल्कुल बट और जो वैरायटी मैं बताऊं इससे जो क्वेश्चन है सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनजियोस्पर्म्स एनजियो में देखने को मिलता है नेक्स्ट वेराइटी जो बनाए की डबल फर्टिलाइजेशन एक तो सिंगैमी है एक्चुअली क्या होता है आपका एक हेप्लॉइड मेल गैमिट हर एक डिटेल्स एक क्वेश्चन आता है बेटा ठीक है मेल गैमिट जो है ये फ्यूज होता है आपके डिप एग के साथ मेल गैमिट का फ्यूजन होता है एग के साथ और ये मिल के एक डिप्लॉइड एक डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं पोलार है, न्यूक्लिया है, तो थे ना उन पोलार न्यूक्लिया के फ्यूजन से बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंटर में जो दो पोलार फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है मेल गैमेट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इन दोनों के फ्यूजन से का फॉर्मेशन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन दिस इज दीज क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन विच इज कैरेक्टरिस्टिकॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिमाग में घूम जाना चाहिए जब ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट मीन की आपका प्रिपरेशन अच्छा है ठीक है एंड वन मोर थिंग देर इज अ रियलिटी चेक वो ये नीट में भी आप देखो इतिहास उठा के देख लो पिछले पांच छह सालों में क्वेश्चन तो बहुत ईजी ही आ रहे हैं बट कट ऑफ हाई जाता है तो अगर हमारा फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर है और मैं बायो को अगर स्ट्रेंथ मानता हूं तो एक या दो बस इससे ज्यादा क्वेश्चन में अफोर्ड नहीं कर सकता नाइनटी क्वेश्चन में से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे इससे ज्यादा होंगे उस कंडीशन में कि बायो ही मेरी सबसे अच्छी फिजिक्स तो मेरी वैसे ही वीक है तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे ठीक है तो आज आप रियलिटी चेक करेंगे मेरे साथ इस सेशन में या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ वेर नन ऑफ द टू कैन इट लाइफ साइकिल विदाउट द अदर फॉलोइंग द ऑप्शन थर्ड का बी बहुत सारे स्टूडेंट रंजन क्यूटी पिंक हु आकाश तुषार मनोज शर्मा जी बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं यस yes. एंड प्रोनुबा मोथ इंसेक्ट प्रोनुबा मोथ इंसेक्ट इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरक्शन है और ऐसा रिलेशनशिप जरूरी है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनके बिना नहीं होता तो विच इज मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन सो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकेंड विल बी द करेक्ट वन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन पोलन रेन्स इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इन द लिक्विड नाइट्रोजन व टेम्परेचर वॉट डीड फॉलोइंग फॉर दिन नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन हिट द करेक्ट वन पोलिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर बोलिए भाई टेम्परेचर कितना होता है टर्म भी यूज कीजिए इसको क्या बोलते हो और ये भी बताओ इन सिट्टू में आता है एक्सिट्टू में आता है दीज आर दराइटी ऑफ क्वेश्चन विच कम फ्रॉम दट पर्टिकुलर कैटेगरी जी पोलन रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर जो है इट इज 196 डिग्री सेल्सियस इसे हम कहते हैं यस एवरीबॉडी इन द क्लास इट इट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन एंड व्हाट डज इस किसके अंदर आता है व्हाट डज इट इंक्लूड इन सिटू एक्सिट टू कंजर्वेशन इट इज अ पार्ट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन ठीक ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए यस क्रायो प्रिजर्वेशन एंड एक्सीटू कंजर्वेशन Next question. Move on to the next question of today's session. Yes, hit the hit the hit the correct one. Which of the following element is responsible for maintaining the turgor in cell? For maintaining the turgor in cell. Anji, following were the option. Please hit the correct one. प्रेशर पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज छोरी में भी देखा होगा पोटेशियम आयन का रोल है करेक्ट ऑप्शन yes, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल क्लास वाले नलैग बच्चों इस क्वेश्चन पे किसी ने बोला भी था मैंने कुछ बोला था पढ़ने को बोला था किसी ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन पुट अप ही नहीं किया और एक बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है इसलिए मेजोरिटी ने आंसर वही किया था इट क्लियरली शोज कि आप कभी कभी चीटिंग पर भी जाते हैं ठीक है थीके? जी देखिए क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ एन प्लस इन सेल्युलर रेस्पायरेशन फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज हिट द करेक्ट वन अच्छा आवाज़ अभी आ रही है इतनी देर बकबक बक की आवाज ही नहीं आई आवाज़ नको अभी तो ठीक है <laughs> मैं ये बोल रही थी तुम स्पेशल क्लास वाले जो मेरे बच्चे हैं उनकी मैं शिकायत कर रही थी यहाँ पे मैं ये बोल रही थी किसी बच्चे ने पूछा भी था मैंने इसका आंसर कुछ बताया था किसी भी बच्चे ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि मैम इसका ये है आपने पढ़ाया है क्योंकि हमने ना तो घर उठा के किताब में देखा और मेजोरिटी ने आंसर यही किया था फोर्थ क्यों क्योंकि किसी बुक में गलत आंसर दे रखा है मैं जो कई बार क्रॉस चेक करती हूँ कि कितने बच्चे चीटिंग कर रहे हैं मेजोरिटी का आंसर तब वहां पर ये था यहां बोलिए जी आंसर क्या है जल्दी बोलो जी इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ही तो एक्ट करता है yes, it is, it special special में याद दिलाना मुझे रंजन है ना स्पेशल क्लास में तुम्हारी टांग खींचनी है इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सप्लेनेशन स्पेशल क्लास में दूंगी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट आयरन एब्सॉर््व बाय द्लांट फॉलोइंग फर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन Hmm. वैसे तो फेरस और फारिक दोनों है बट अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी आंसर बोलो अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी आंसर बोलो यस yes, फारिक फॉर्म में करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी ही चलेंगे और हम इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीआर टेक्निक पॉलीमरीज चेन रिएक्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस आपको बताना है वेरी सिंपल वैसे तो इनका डिटेल भी आपको आना चाहिए बट यहां पर तो जस्ट करेक्ट ऑर्डर पूछा है उसने करेक्ट ऑर्डर पूछा है हम्म अरे क्वेश्चन नंबर डाल के यस इट इज डीनेचुरेशन एन

जी बेटा करेक्ट मैच पूछा है मॉर्गन सर तो ज लिंकेज, सेक्स लिंकेज ये सब इन दिया हटाओ एफ टू जनरेशन का रिसेसिव पैरेंट हाइब्रिड है क्या जी टेस्ट क्रॉस होता है सर ने दिया था क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल तो ग्रिफ्ट सर ने दिया तो ये तीन ऑप्शन तो सौ प्रतिशत गलत है रूल ऑफ एलिमिनेशन से भी कर दो वैसे भी आपको पता होगा राइबोजा न्यूक्लिक एसिड इट इज द करेक्ट वन ठीक है सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस थर्ड विल बी द करेक्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच गलत मैच ढूंढना है आपको गलत मैच फॉलोइंग वर द ऑप्शन नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन वेटिंग फॉर योर येपॉन्स फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज और मुझे इनके एक्सप्लेनेशन भी चाहिए जस्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने से नहीं हमें पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि कौन सा क्यों गलत है जल्दी जल्दी टेंथ का थ्री बिल्कुल सही कौन है मनोज शर्मा नहीं नहीं नहीं, नहीं आंसर किसी और ने दिया कहा गए राज सिंह मिस्टर जयदीप नैनसिक प्रत्युषा तुष तुषार गलत है बेटा सेकंड नहीं दिस इज द करेक्ट वन ना रीजन एक्स नॉट एक्स एक्स फीमेल एक्स नॉट मेल या फिर प्रोटेन और टाइप उसे हम कहते हैं एग्जाम्पल ग्रास हॉपर स्क्वैश बग एनासा कॉकरोच

मॉर्गन साहब ने लिंकेज जी लिंकेज सेक्स लिंकेज सब इन्हीं की तो देन है स्टार्च सिंथेसिस इन पीट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एली इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफिक जीन जब एक जीन व्हेन वन जीन इट इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर तो स्टार्च सिंथेसिस इन पीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी दैट्स वाई इट इज द करेक्ट वन ठीक है ओके बच्चो यस yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द ऑप्शन नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन जल्दी जल्दी आंसर बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं दीजिए इलेवेंथ करके ऐसे लिखो बोलो बोलो भाई जी पुनिट स्क्वायर यस yes, ब्रिटिश पुनिट सर ने तो दिया था यही करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज द करेक्ट वन इजी सिंपल सिंपल इलेवेंथ का टू यस yes, करेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है उदित पीयूष विकास डॉक्टर श्रद्धा प्रशिक यूनाइटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है बिल्कुल डॉक्टर श्रद्धा पांडे जी ठीक है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले किसने शो किया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पर जो पड़ा था और मेलसन स्टाइल इकोलाय e. पर तो सबसे पहले बैक्टीरिया e. पर हुआ था तो बैक्टीरिया इकोलाय दैट्स वाई दिस विल बी द करेक्ट वेन ट्वेल्थ का सेकेंड जी बहुत सारे स्टूडेंट श्रेन रशी फैरी फैजान स्वलेखा बहुत सारे स्टूडेंट्स वेक्ट इन दिस केस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग दे फ्लावर ओनली वन इनिट्स लाइफ टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जिंदगी में केवल एक ही बार होती है फॉलोइंग वर द ऑप्शन एज इट इज याद होना चाहिए बेटा जी जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एक ही बार होती है जल्दी बोलिए थर्टींथ का थ्री ईयर्स बैंबू स्पीशीज इट इज द करेक्ट वन आप मेरा नाम नहीं ले रही कौन है बेटा जो रैंडमली दिखता है मैं उसका नाम ले लेती हूं हांजी करेक्ट मैच ढूंढना है बेटा करेक्ट मैच फॉलोइंग वर द ऑप्शन में साइड हट जाती हूँ जिससे कि आप आराम से ऑप्शन देख सके एंड हिट द करेक्ट वन नंबर डालिए थर्टींथ का या फोर्टीन का किसका बता रहे हैं आप अशर अयुब 14th लिख के डालो बेटा गुड्डू कुमार बिल्कुल सही हां जी। पूजा गुप्ता सही है प्रग्ञ बॉय सही है राहुल सही है विराज सही है अनुराग यशवी खुशी टाक बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रांसिस जेकॉब एंड जैक्स मॉनेड जो कि पास इंस्टीट्यूट ऑफ पैरिस के अंदर काम करते थे और ओपेर मॉडल ने तो दिया तो फ्रांसिस एंड इन्हीं ने दिया था फ्रांसिसन कॉन्सेप्ट लेक ओपेर ट्रिप्टोफेन ओपेर ऑफ इकोलाइ जी बिल्कुल सो दैट्स दिस विल बी द अच्छा मुझे बताइए अलेक्फ्री का दिया हुआ क्या है अलेक्फरी ने क्या दिया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसने दिया फटाफट बताओ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसका किसके दिन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके आंसर हम पता नहीं कब जीवन में देंगे यस फॉर दिस फोर्थ विल बी द करेक्ट वन याद होना चाहिए जो मैंने बाकी क्वेश्चन पुटअप किया आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पोलन एज फॉसिल पोलन ग्रेन्स को इतने अच्छी कंडीशंस में जो मिलते हैं इन फॉसल फ्यूल्स वट वॉज द रीजन फॉर दिस हिट द करेक्ट वन प्लीज हिट द करेक्ट वन आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स पोलन ग्रीन्स के फॉसल्स जो इतने अच्छी कंडीशन में मिलते हैं हमने बात की थी पोलन जो है इसका एक तो लेयर है इनटाइन इनर लेयर बाहर का लेयर इट इज द एग्जाइन एग्जाइन जो है ये स्पोरो पोलेनिन का बना होता है स्पोरो पोलेनिन और इंटाइन जो है ये आपका पैक्टो सेलुलोज का बना है पैक्टो सेलुलोज का बना है स्पोरोपोलिन की मैं बात करूं तो दिस इज द रेजिस्टेंट यस ये रेजिस्टेंट है ठीक है स्पोरोपोलिन रेजिस्टेंट मटीरियल है फोर्थ विल बी द करेक्ट वन ओके इट इज द करेक्ट वन जी जी बहुत सारे अलेक्जाफ्री डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है बेटा ठीक है ओ थैंक यू संतोष मेघवाल चलिए नेटेलिटी इट रेफर्स टू बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में अगर मजा आ रहा है तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट डू ऑर डाय क्वेश्चन सीरीज रोज सुबह साढ़े नौ और रात साढ़े नौ बजे में लाइव आती हूं मेक इच्छा यूर गोइंग टू पार्ट ऑफ दैट सेशन उसके लिंक टेलीग्राम पर मिल जाते हैं लेकिन आज नहीं है कल से होंगे वापस ठीक है आज ब्रेक है आज नहीं होगा कल से है रोज सुबह साढ़े नौ और रात साढ़े नौ बजे होता है तो मेक इच्छा यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस और लेट्स क्रैक नीट यूजी पर मैं रोज शाम छह बजे लाइव आती हूं ठीक है नेटिलिटी नेटिलिटी बर्थ रेट है मोरटिलिटी ठीक है इट इज द मोर्टिलिटी अगर वो पूछे इमिग्रेशन एक हम टर्म पढ़ते हैं कि कितने लोग बाहर से यहां आ रहे हैं कोटा से कितने बच्चे कोटा कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो इमिग्रेशन और कोटा से कितने बच्चे या तो सिलेक्शन लेके या नलाइकिया मार के दोबारा अपने घर को लौट जाते हैं दैट इज इमिग्रेशन ठीक है जी इजी क्वेश्चन था बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी जनरल नॉलेज वर्ल्ड ओजोन डे बताइए कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे अकेडमी प्लस पर भी मैं पढ़ाती हूँ आप शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा कोटा का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा डीपीपी क्वेश्चन बैंक मेरी मैंटोरशिप में आ जाएंगे जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन और आपको मुझे प्लस क्लास पर आके बताओ एनअकेडमी ऐप पर मुझे मैसेज कर दो जी सिक्सटीन सितंबर या दिस विल बी द करेक्ट वन याद रखना है वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉलिटेंट सेकेंडरी पॉलिटेंट इनमें से कौन सा है जल्दी बोलिए सेकेंडरी पॉलिटेंट पूछ रहा है बेटा सेकेंडरी पॉलिटेंट हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी पॉलिटेंट ये उस फॉर्म में नहीं होते जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते प्राइमरी पॉलिटेंट के रिएक्शन से आपके सेकेंडरी पॉलिटेंट का फॉर्मेशन होता है ओथ्री ठीक है पैन ये आपके सेकेंडरी पॉलिटेंट है ठीक है ये आपके प्राइमरी पॉलिटेंट के रिएक्शन से बनता है इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉलिटेंट के रिएक्शन से आपके सेकेंडरी पॉलिटेंट का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से आंसर कीजिए सुबह साढ़े नौ रात साढ़े नौ बजे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ऐसा ही और डाई क्वेश्चन सीरीज चल रहा है तो आप उनका पार्ट बन सकते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर लिंक मेरे टेलीग्राम पर शेयर होता है ठीक है आज नहीं है कल से दोबारा होगा रोज सुबह साढ़े नौ, नौ और रात साढ़े नौ बजे और लेट्स क्रैक न्यू ट्यूजी पर वन शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं रोज शाम छह बजे कल शाम को छह बजे इकोलॉजी पढ़ेंगे हम हम्म इकोलॉजी इट इज द फंक्शनल रोल विच इज प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लीव्स यस

प्रोड्यूसर ten gram फॉलोइंग were द ऑप्शन now प्लीज हिट द करेक्ट वन easy 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 वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा आंसर ऐसे मत दो ट्वेंटी का क्या है ऐसे ट्वेंटी लिख के फिर ऑप्शन लिखो स्वलेखा शेख बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही यशवी शर्मा भूमि खत्री ट्वेंटी देखो पहली बात तो ग्राम्स में दे रखा है ना यानी कि वेट के ऊपर है तो दिस इज द पिरामिड ऑफ बायोमास नंबर नहीं है एनर्जी नहीं है है तो तो इन दोनों में से एक है बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं बेस सबसे कम दस ग्राम फिर इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर इससे ज्यादा दैट इज साठ ग्राम और उसके बाद सबसे ज्यादा तो इन्वर्टेड बन रहा है उल्टा है इन्वर्टेड पिरामिड है ये तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दैट्स वाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन इजी इनवर्टेड पिरामिड है ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटोस्र के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्युलर ऑक्सीजन ओजोन के डिग्रेडेशन में और जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन का रिलीज है इनमें से किसका रोल है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज एस एन कैटलिस्ट नाउ दिस आर द ऑप्शन आयरन क्लोरीन कार्बन एंड ऑक्सीजन प्लीज हिट द करेक्ट वन अपन ने पढ़ते भी ना ओजोन ट्रीटी वगैरह जो कुछ भी है कि क्लोरो का सब्सिट्यूट ढूंढ रहे क्लोरीन जो है टैक्ट एज ए कैटलिस ओ थ्री को ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है तो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन संजय यशवी अरविंद शेखर बिल्कुल सही शगुन श्रीन नैन्सी ठाकुर राजलक्ष्मी मैथ सिंह ओंकार गुप्ता राहुल दीज आर द करेक्ट स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स यस करेक्ट करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टू फंक्शनल ग्रुप्स विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर टू फंक्शनल ग्रुप विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर फॉलोइंग वर द ऑप्शन मैं साइड हट जाती हूँ प्लीज इट द करेक्ट वन Two functional group which is the characteristics of sugar are following word the option please hit the correct one Yeah it is the

इनमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है पूछा है उसने ऑसिलेटोरिया मिक्सो बैक्टीरियम एनाबीना ये सब आपके किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट ही होते हैं सेकेरोमाइसीज शीजो ईस्ट है ना फंजाइ में डालते हैं दे आर द यू कैरियोटिक तो बस यही नहीं होगा थर्ड विल बी द करेक्ट वन सैकेस्ट है तो ये यू करेक्ट वन एनाबीना कैटेगरी ऑफ मोनेरा विच इज या विच इज अ प्रो कैर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का कौन सा एक प्रोडक्ट इनमें से नहीं है नॉट अ प्रोडक्ट पूछा है दीज वर द ऑप्शन प्लीज हिट द करेक्ट वन स्टूडेंट्स या या हिट द करेक्ट वन ट्वेंटी फोर्थ का ऑक्सीजन नहीं है नलायको एटीपी एनएडीपीएच O2 दोनों आपके किस में नॉन साइक्लिक तो. में तो साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी लाइटरेशन का NADH नहीं बनता कहीं पर भी ये नहीं है NADPH भी है ATP भी है ऑक्सीजन भी है NADH नहीं होता तो सेकेंड विल बी द करेक्ट वन इजी ट्वेंटी फोर्थ का बी यस दिस विल बी द करेक्ट वन बच्चों नेक्स्ट स्टोमेटल मूवमेंट इट इज नॉट इफेक्टेड बाय स्टोमैटल मूवमेंट जो है ये किससे इफेक्ट नहीं होते हैं स्टोमेटल मूवमेंट इट इज नॉट इफेक्टेड बाय फॉलोइंग वर द ऑप्शन नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन ये देखो अंकित कुमार अरे हमें नीट का विनर बनना है एजाज खान विनर है बिग बॉस 14 का नलायक शर्म कर लो पढ़ लो यहां पर बिग बॉस की चिंता में डूबे हैं हम स्टॉमेटल मूवमेंट भाई हमने पढ़ा ना फैक्टर्स ये लाइट का है टेम्परेचर का है सीओटू कॉन्सेंट्रेशन ओ टू कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है स्टोमेटल मूवमेंट इट इज नॉट अफेक्टेड यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन न्यूमैटो फोर्स न्यूमैटो फोर्स दे करेक्ट वन ऐसा कुछ पढ़ते हैं मार्शी और सलाइन एरियाज़ पर जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो रूट्स है ये सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाती हैं इन्हें हम कह रहे हैं न्यूमैटो फोर्स न्यूमैटो फोर्स ठीक है यहां पर एक छोटू सा एक पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आपके ऑक्सीजन एंटर होकर इट बिकम अवेलेबल टू द प्लांट इस पोर को हम कहते हैं टो ये सारी जो राम कहानी समझा रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है आनी चाहिए ठीक तो है मैंग्रोव राइजोफोर्ड दिज आर द एग्जांपल ऑफ दिस तो हेलोफाइट्स में मार्शी और सलाइन एरियाज पर जो प्लांट्स यानी कि सलाइन एरियाज यानी कि हेलोफाइट्स के एग्जांपल है सो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन ठीक है यस थर्ड विल बी द करेक्ट वन स्वीट पोटैटो प्लस वालों को आज ही पढ़ाया it is a modified, sweet potato, है इट इज अ मॉडिफाइड स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है

करेक्ट वन बहुत सारे नीरज कुशदासमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है साइड हटी हूं प्लीज हिट द करेक्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन जी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर में देख पा रही हूं जी देखो ओव्यूल्स दे आर नॉट अनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोसप नेक्ट सीडेड प्लांट होता है ना नेक्स परमेटोफाइटा है ओवरी इज नॉट अनक्लोज बाय द ओवरी वॉल वो एनजियोस्पम्प में होता है जिम्नोसपम्स में नहीं होता तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है उसने करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है सलजनेला एंड सालविनिया दोनों हीट्रोस्पोरस हैं, है इसलिए ये गलत है ठीक है इजी इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए मैं साइड हट जाती हूं आप आंसर कीजिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए यस रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट प्लीज इट द करेक्ट वन सिलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट आंसर लिख के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फिर लिख के आंसर हिट करो बेटा ऐसे नहीं ऐसे वन थ्री समझ नहीं आता क्योंकि कुछ बच्चे पुराना दे रहे होते हैं अरे क्या हो गया आंसर दीजिए साक्षी अग्रवाल खुशी टाग स्वलेखा राहुल शाहिब जोत कौर सैनी साहब बहुत सारे लव फ्रॉम कश्मीर थैंक यू मुस्कान उमनदा बहुत सारे स्टूडेंट्स

ठीक है चलिए ओ ओ आई एम सो सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं खुद आंसर बता देती हूँ क्योंकि ऐसे दो तीन में है मैच द आइटम फर्स्ट विथ टू सबसे पहले हर्बेरियम ढूंढो हर्बेरियम इट इज अ ड्राइड गार्डन विच प्लांट को इट इज कंजर्व प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट ठीक है हर्बेरियम वही है इट इज अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व नो लिस्ट नो इट इज अ बुकलेट कंटेन नो इट इज अ प्लेस वे आर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पीशीम माउंटेड ऑन द शीट आर अपन को पता हर्बेरियम शीट का वो डायमेंशन भी इलेवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्स इंचस कई बार सेंटीमीटर में आ जाता है सारी तमाम चीजें पड़ी हैं तो यानी कि फर्स्ट का तो थर्ड है ये कंफर्म है अब मैच का कॉलम वाले क्वेश्चन का अप्रोच होता है अब पहले एक पटा करा ना ऑप्शन देखो फर्स्ट का थर्ड सेकेंड में तो नहीं है फर्स्ट में नहीं है ऑप्शन हटा दो और थर्ड नहीं है फर्स्ट का थर्ड इसमें और इसमें अब बी वाला देख लो सेकंड फोर्थ है की आपको आंसर मिल जाएगा बस बी वाला की मेजर रोल इसका आइडेंटिफिकेशन के अंदर है ना की की अलिस्ट एन्यूमरेट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है बी तो का फोर है. है? है कि बी का टू है तो बी का टू है आइडेंटिफिकेशन सो विल बी वन कितने बच्चे हैं भाई सही करने वाले या दिस विल बी द करेक्ट वन थर्टी का बी ऐसे आप कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विंग्ड पोलन ग्रीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विंग्ड पोल ग्रीन आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग वन द ऑप्शन प्लीज इक द करेक्ट वन स्टूडेंट विंग्ड पोलन ग्रीन किस में प्रेजेंट हैफिकेशन सेक्शन अ डायवर्सिटी विंग्ड पोलन पाइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं पाइनस पाइनस और किसके अंदर एक्सेप्शन है बेटा और किसी में एक्सेप्शन अच्छा पाइनस होमोस्पोरस है है लेटमी नो इन द कॉमेंट बॉक्स साइकस ना वही तो मैं कह रही हूं अरे थर्टी वन का थ्री बी फोर बी टू बी फर्स्ट और दे दो एक वही बच गया ट्रोस्पोरस है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये उसमें आएगा लास्ट वाले में है इसलिए तो उधर से ही करेंगे दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मैच नहीं कर रहा क्या फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहा है कर रहा है। सही है फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फेसिमा यस अभी कुछ दिन पहले वन शॉर्ट है यूट्यूब पर प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट सही करेंगे अस्थमा और एम्फेसिमिया यस प्लीज इट द करेक्ट वन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऐसे मत करो थर्टी थ्री का हां फोर्थ बोल रहे हैं अरे इन लाइक थर्टी थ्री का फोर बोलने वालों अस्थमा 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 में क्या होता है देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ और एम्फिमा के अंदर होता है क्योंकि वॉल डैमेज हो जाती है तो सर्फेस डिक्रीज हो जाता है एक्यूट क्रॉनिक ये आपका सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन कारण है एम्फेमा का डिस्कस किया था एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है या सोचे सर्फेस एरिया डिक्रीज हो जाता है सर्फेस एरिया डिक्रीज इसमें होता है एम्फेमा में ुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन ठीक है चलो थर्टी थ्री का थ्री या yeah. मैं आंसर दे दूंगी क्योंकि इसमें भी अगेन दो उस पर है नहीं लेकिन ये तो कर सकते हैं करो मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो ये देख लो एक दो ऑप्ट कर लो और फिर आप आंसर ढूंढते जाओ जैसे मैं कर रही रुक जाओ मेरे को भी देखने दो ओके okay, पहले ए का ढूंढ लो क्या है फिर इधर ऑप्शन देखो ठीक फिर बी का देखो फिर इधर ऑप्शन देखो ओके ना हिट द करेक्ट वन थर्टी फोर का जल्दी आंसर कीजिए जी है ना बेटा टाइडल वॉल्यूम 500 से साढ़े थर्ड है तो पहले तो ए का थ्री देखो ऑप्शन में तो फर्स्ट गया और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है ए का थ्री इन दोनों में दे रखा है बी का फर्स्ट है या सेकेंड है ये देख लो बी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ढाई से तीन है तो बी का फर्स्ट है तो बी का फर्स्ट किस में दे रखा है सेकंड ऑप्शन में तो बस ऐसे ही टिक हो जाएगा और मैच का कॉलम में अप्रोच यही करना है ठीक है ठीक सो थर्टी फोर का ये हो गया सेकेंड ओ आई एम सो सॉरी या विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑस्टियोपोरोसिस बुढ़ापे में अधिकतर ये होता है थोड़ा सा गिर जाओ हड्डी टूट जाएगी बोन्स दे बिकम वीक एंड द एंडल तभी तो बुढ़ापे में थोड़ा सा गिरने से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बताइए किस वजह से होता है प्लीज हिट द करेक्ट वन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स संगम बिल्कुल ईस्ट्रोजन एंड पैराथायरोड हार्मोनिसन की कमी की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन पढ़ाए हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी प्लीज हिट द करेक्ट वन थर्टी सिक्स का टू ऑक्सीटोसिन बेटा मेन पार्चुरेशन हार्मोन है जो सेकंड बोल रहे हैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ो ये मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ठीक है यूट्रन यूट्रस मसल में रिलैक्सेशन करवाता है डिलीवरी के लिए पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा क्या ऑक्सीटोसिन इसलिए ये नहीं है अरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो मेंटेन द प्रेगनेंसी लिखा है तुमने वो एक तरीके का क्वेश्चन दे रखा है हार्मोन फर्स्ट फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन क्या कर रहे हो सेकेंड तो ऐसे ही ये तो मेन पार्चुरेशन हारमोन ही है ये ये प्रेगनेंसी थोड़ी मेंटेन करवाएगा यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन आंसर क्वेश्चन ढंग से पढ़ो बेटा डिफरेंस बिट्वीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिशन में क्या डिफरेंस है प्लीज इट द करेक्ट वन ये ऑप्शन देखिए फिर मैं आगे बढ़ रही हूं स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मियशन में क्या डिफरेंस है ये दो ऑप्शन ये रहे दो ऑप्शन ये रहे प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन डब्बा डाल के संगम गलत हो बच्चा तुषार शर्मा गलत क्या कर रहे हो तुम देखो ऑप्शन देखो यस yes, उल्टा है इसमें तो बेटा स्पर्मियोजेनेसिस में तो स्पर्माटेड जो है ये स्पर्माटोजो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये तो स्पर्मियोजेनेसिस और आपके स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सल्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल दी स्पर्मेटोजोआ उसका फॉर्म स्पर्मिएशन इसे कहते हैं वो जो स्पर्म जो रिलीज होता है सल्टोली सेल से फ्रॉम द कैविटी तो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन यार फर्स्ट कैसे टिक कर रहे हो तुम उल्टा दे रखा है उसमें तो देखो फॉर दिस दिस विल बी द करेक्ट वन ठीक है ये हटाओ ये आ रखा है चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस प्लीज हिट द करेक्ट वन चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस बताइए कौन से हैं थर्टीन यर्स डाईटम्स डायटम्स एटम्स कोई बोलते ना यस दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन डायटम्स किसके अंदर आते हैं बेटा कौन सा ग्रुप क्राइजोफाइट्स डायनोफ्रेज क्राइजोफाइट क्राइजोफाइट में आते हैं डायटम्स एंड द गोल्डन एलगी यस 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 क्राइजोफाइट के अंदर जी बिल्कुल किंगडम प्रोटेस्टा एंड डायटम्स दीज आर दीफ प्रोड्यूसर विल बी डे करेक्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन इज वाइडली यूज इन द मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए बताइए जब तक मैं तो इनका रिलेशन बता रही हूँ पैरासिटिज्मिज्म इंटरक्शन सॉरी कॉमनसेलिज्म पॉजिटिव जीरो एंड एमनसेलिज्म नेगेटिव जीरो इंटरैक्शन इंटरेक्शन छोड़ो अपन ने डायरेक्ट पढ़ा है एंटीबायोसिस एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बताइए किसका एग्जाम्पल है एज इट इज पढ़ते हैं येस yes. साहिबजोत कौर राहुल कलीम गुड्डू कुमारी रानी राहुल मिश्रा खुशी टाक बहुत सारे स्टूडेंट राहुल बेटा कमेंसलिज्म नहीं है इट इज एमेंसलिज्म केमिकल का प्रोडक्शन उसी के अंदर है एज इट इज ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल याद करना है केमिकल सिक्रीशन ही तो होता है ना एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में वो एमंसिलिज्म में होता है कॉमेंसेलिज्म में नहीं जी पांडे जी बिल्कुल सही तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन ओके एमसिलिज्मेड इन द एक्सेट कंजर्वेशन एक्सेप्ट यानी कि बाकी सब एक्सेटिव कंजर्वेशन में है सिर्फ एक नहीं है बोलिए क्या बॉटनिकल गार्डन जोलॉजिकल पार्क एक्वेरिया आर्बोरेटा ये सब आपका सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन यस बॉटनिकल ये वाइल्ड लाइफ सफारी ये सब आपके सेक्रेट ग्रूव्स एंड सैक्रेट लेक्स ये हम इनसेटू में पढ़ते हैं एक्सेटू में नहीं ये है इसमें सेक्रेट प्लांट्स एंड होम गार्डन्स आता है सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन आता है बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क एक्वेरिया एंड वाइल्ड लाइफ सफारीट कंजर्वेशन सैक्रेट ग्रूव इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेटू कंजर्वेशन सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अरे कुछ कुछ बच्चे फर्स्ट भी कह रहे हैं नो बेटा करेक्ट वन सैक्रेट ग्रूवस एंड सैक्रेड लेक्स ये आपके इंसेट कंजर्वेशन में आता है ठीक है थैंक यू राहुल थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लव

भाई हम ऑलरेडी पढ़ते हैं ना यूट्रोफिकेशन ही तो होता है तो ए का थ्री है इसी से मिल जाएगा आपको ए का थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो दैट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन बाकी सैनिटरी लैंडफिल या वेस्ट डिस्पोजल का तरीका है स्नो ब्लाइंडनेस यूवी बी रेडिएशन और ये सब उस वजह से होता है झूम कल्टिवेशन डिफॉरेस्टेशन करवाता है ना क्या होता है जैसे एक जगह आए फिर यहां पर जंगल को आग लगाएंगे खेती बाड़ी करेंगे फिर यहां से दूसरी जगह पे मूव ऑन करेंगे तो फिर जंगल को आग लगाएंगे वहां खेती बाड़ी तो डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन है झूम कल्टीवेशन, तो ये आप आसानी से कर लेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन यस ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री फॉलोइंग वर ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है जल्दी देखिए साइड हट जाती हूं जिससे कि आप क्वेश्चन आराम से देख पाए इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री व्हाट हैपन प्लीज इट द करेक्ट वन यस हम लोगों ने बात की थी हम लोगों ने बात की थी कि एक तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की वजह से होती है फ्यूचर पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी वजह से होती है प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोइंग यानी कि फ्यूचर पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से ज्यादा होंगे तो आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी तो ऑप्शन देखो जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस नो आर मोर देन दैन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल थर्ड ऑप्शन में दे रखा है थर्ड विन प्री रिपोडक्टिव इंडिव्यजल ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू द रिप्रोडक्टिव इंडिविजल इन दिस केस इज मैं इन दर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं आपका स्ट्रक्चरल जीन है ऑपरेटर जीन है प्रोमोटर जीन है रेगुलेटर जीन ये सब आपके ऑपेरॉन के पार्ट हैं ठीक है ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन प्रोमोटर जीन रेगुलेटर जीन दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑपेरॉन ये एनहेंसर नहीं है ये आपको पता होना चाहिए रेगुलेटर होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए तो 44 का यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन आस्था राशि साहिब जोत कौर अभिषेक वर्मा कृपाल पांडे जी राहुल मिश्रा प्रिया पांडे उज्जवल सोलंकी पूजा गुप्ता बहुत सारे स्टूडेंट्स सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं साइड हट रही हूं ऑल करेक्ट वेरी गुड राहुल मिश्रा सुनिए अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक कंडीशन इन वन ऑफ आर एक्स क्रोमोजोम तो ये क्रोमोजोम किसमें सिर्फ ग्रांड चिल्ड्रंस में सन में डॉटर में या सन और डॉटर दोनों में जाएगा जल्दी बताइए वकार हुसैन लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद थैंक यू सो मच यस अलीना चौहान संजय वेद प्रकाश गलत है यश वर्मा गलत है ओ बाप रे बहुत सारे बच्चे गलत है संजीव गलत है बहुत सारे स्टूडेंट ओनली सन क्यों बेटा

घोटाला कर सकते हैं जो रटते होंगे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन अरे जगह जगह से प्यार भेज रहे हैं हेमंत लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंदौर थैंक यू सो मच यस ये देखो इट इज सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन व्हाट विल बी द कर ट्रांसक्रिप्ट एम आर एन ए सीक्वेंस ऑफ द नो फोर्टी वाले कौन कौन है राहुल मिश्रा गलत है आई एम सो सॉरी प्रभु मेरे सब एक ही तरह आंसर कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग पूछा है ना सिर्फ थाइमिन की जगह पर साइटोसिन ऐड कर दो बस थाइमिन की जगह पर साइटोसिन सॉरी यूरासल होगा साइटोसिन मैं कह रही हूं आरएनए की बात करें तो थाइमिन में यूरासल होगा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ना ऐसे पर यूरासल होगा करस्पॉन्डिंग पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी पूछा है क्या कर रहे हो ठीक है बस थान की जगह पर यूरासल अरे हाँ सही है ठीक है ये ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नेक्स्ट तो इसमें पर आप इसमें से एक पिक कर लो फिर अपन नेक्स्ट पे चल जाएंगे मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द कॉलम सेकंड एंड करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है एक हाथ ढूंढो ओके okay. जैसे फर्स्ट का ढूंढ लो पहले क्या है फिर ऑप्शन पे जाओ Easy. देखो एक बार में हो जाएगा प्लीज इट द करेक्ट वन मासूम गर्ल बेटा गलत है क्या कर रहे हो यार तुम सिंपल है ना Phase, या फिर इसी को तो हम फॉलिकुलर सीक्रेटरी को फेस को हम लूटिंग फेस में ब्रेक डाउन ऑफ एंडोम एंडोमेट्रियम की वॉली तो ब्रेक ऑफ होती है तो प्रोलिफरेटिव का फॉलिकुलर ए का टू दे ही सिर्फ एक ऑप्शन में रखा है ये सारे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे बी द करेक्ट वन ईजी इजी बेटा बहुत नेक्स्ट ऑक्युपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर इनमें से कौन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेश ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर प्लीज हिट द करेक्ट वन और बेटा फोर्टी एट नंबर डाल के आंसर करो प्लीज लव फ्रॉम लद्दाख थैंक यू हांजी फोर्टी एट का टू सिलिकॉसिस बिल्कुल करेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे फोर्टी फोर का फोर देने वाला एम्फसेमा बच्चा क्रॉनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आप सिगरेट स्मोक करते हैं प्रोफेशनल नहीं है ऑक्यूपेशनल में सिलिकॉसिस एसबेस्टोस ठीक है बिजनोसिस बिजनोसिस जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं सिलिकॉसिस सब आपकी ऑक्यूपेशनल रेस्पारेटरी डिसऑर्डर है इट इज मैंशन इन द सेकंड ऑप्शन सो यस इट इज फरहान खान थैंक यू फराह खान थैंक यू सो मच सो यस अरे लव फ्रॉम उड़ीसा लव फ्राम कश्मीर लव फ्रॉम इंदौर लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल सब जगह से प्यार भेज रहे हैं थैंक यू सो मच ऑक्यूपेशनल पूछा है बेटा दिस विल बी द करेक्ट वन बीर बहादुर प्रसाद या इन करेक्ट पूछना है विच ऑफ द फॉल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट जल्दी बोलिए थैंक यू राहुल फॉलो करते रहिए और बेटा लव फ्रॉम आयोध्या लव फ्रॉम धरती ये सही है साहिल इनकरेक्ट स्टेटमेंट आंसर भी तो देते जाओ यस yes, किसने दिया ये गुड्डू कुमार गलत है ठीक है जॉय सही है जॉय सही है ओ भाई अरे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन वाले क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गलत पूछा है ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्डिलेन आउटर माइटोकॉन्डिल में होता है ना तो ये गलत है एज इट इज गलत स्टेटमेंट पूछा फोर्थ विल बी द गलत वन या ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन हमारे दांत कैसे हैं बताओ ह्यूमन डेंटिशन कौन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशियन हिट द करेक्ट वन फिफ्टी का टू यस जो में फिक्स है थीडोट दो बार आते हैं एक एक परमानेंट टीथायोड भी हैं 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 भी 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 हैं तो है ना तो थीकोड विच इज फिक्स इन द जो डायफायोड दो बार ही आते हैं एक मिल्क टीथ एक परमानेंट टीथ और हीट्रो अलग अलग टाइप है ना हैं इंसाइजर्स है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैं सो सेकंड विल बी देंट फिफ्टी का सेकंड यस विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स टिक रिप्रेजेंट द इनहरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूम ये एबीसीडी ऑप्शन दे रखा है इसके बाद कौन कौन से है या पिक कर लो ऑप्शन में दूसरे में दूंगी पिक कर लो पहले ठीक है ओके हिट द करेक्ट वन फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इसका आंसर बताइए यस संजीव शाह बिल्कुल सही है बेटा 51 का टू ए बी सी करेक्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस ये देखो ना ए ब्लड ग्रुप तो रिसेसिव फैक्टर में सिर्फ डोमिनेंट अपने आप को शो कर रहा है इसमें आई बी आई डोमिनंटी शो कर रहा है रिसेसिव के फैक्टर तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है ये ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनंस काम करता है और मल्टीपल एलिज में तो हम पढ़ते हैं मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए बी सी तीनों करेक्ट है विच इज इन द सेकंड ऑप्शन सो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन यस फिफ्टी फन का सेकंड सेकंड विल बी द करेक्ट वन अरे भाई देश पूरी जगह से ठीक है ठीक क्लियर और क्वेश्चंस करने हैं क्या वो शायद डाउनलोड ही नहीं हुआ यार उधर उस टाइम नेट बड़ा दिक्कत दे रहा था चलो आज के लिए इतना ही काफी है It is all about this. It is all about my टूडे session. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you like the video. And share the link as much as you can. और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अन अकेडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं वाई आर यूजिंग योर मैम्स कोड जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी इस कोड को अप्लाई करने से आपको आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप, मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे यू कैन बी द पार्ट ऑफ माय ग्रुप थ्रू आउट दर आई विल गाइड यू अबाउट योर नीड जर्नी ये सारे बेनिफिट्स आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट तो मिल रहा है आप प्लस लें चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें और साथ ही साथ मुझे आप यहां फॉलो कीजिए अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर अगर आप मुझे यहां फॉलो करें, करेंगे तो यहाँ फॉलो करने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आए वैसे सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है इसका पूरा डिटेल वीडियो की शुरुआत में दे रखा है फिर भी अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो आप मुझे यहां पर फॉलो कीजिए फॉलो करने के थोड़ा तो ड्रैक करोगे तो नीचे मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है बिल्कुल आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं आई विल रिवर्ट यू अबाउट द सेम ठीक है same, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं इस कोड को अप्लाई करके तो टेन डिस्काउंट तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा इसके अलावा जो भी फायदे हैं आप उसके लिए मुझे यहां पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्लस क्लास में बता दो बहुत इंटरेक्टिव होता है तो आपको वो मिल जाएगा ठीक है प्लस आप मुझे यहां पर फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस अभी रोज सुबह साढ़े नौ बजे नाइन थर्टी ए एम और रात साढ़े नौ बजे अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर डू और डाई क्वेश्चन सीरीज बिल्कुल फ्री फ्री डू और डाई क्वेश्चन सीरीज चल रहा है फ्री क्लासेस है डू और डाई क्वेश्चन सीरीज चल रहा है एग्जैक्ट हिट रेट नीट में बहुत तगड़ा होने वाला है तो मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज ठीक है इसके लिए जस्ट आपको यहां पर मुझे फॉलो करना है और ये एकदम फ्री है है प्लस आज नहीं है, कल से होगा आज आज नहीं हुआ था ये आज नहीं है ठीक है आज का गैप है उसके अंदर कल से हम दोबारा इसको कर रहे हैं डू डूर डाई क्वेश्चन सीरीज तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिंक मैं टेलीग्राम पर भी भेजती हूँ तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ओके ओके बच्चा मेरा बर्थडे नहीं है आज थैंक यू सो मच थैंक यू प्रिया पांडे नेहा कुमारी हाँ सर को बर्थडे विश कर दिया हाँ दिखा दूंगी ओके पक्का ठीक है ओके चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव थैंक यू बच्चों बाय